नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं साउथ ब्लॉक डिजिटल और मैं हूं आशीष कुमार। वक्त हो गया है दोपहर की 15 बड़ी और सुपर फास्ट खबरों का, तो आइए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दी भोगी और उत्तरायण पर्वों की शुभकामनाएं। पीएम ने की सभी की खुशी और कल्याण के लिए प्रार्थना। भूतपूर्व सैनिक दिवस के मौके पर CDS जनरल अनिल चौहान पहुंचे राष्ट्रीय युद्ध स्मारक। देश के लिए बलिदान देने वाले सैनिकों को किया नमन। बता दें कि यहां उनके साथ तीनों सेना प्रमुखों थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी और नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार ने भी पुष्पमालाएं अर्पित कर देश के लिए बलिदान देने वाले सैनिकों को नमन किया। देश भर में आज हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है मकर संक्रांति का पर्व। प्रयागराज में गंगा किनारे लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। बता दें कि सूर्य आज रात 8:45 पर मकर राशि में जाएंगे, जिसको लेकर कल भी मकर संक्रांति का पर्व देश के कई हिस्सों में मनाया जाएगा। इस महीने के अंतिम सप्ताह में शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र से पहले हो सकता है केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार। सूत्रों की माने तो इसके लिए विचार विमर्श शुरू हो चुका है। हार्ट अटैक के कारण कांग्रेस सांसद संतोष सिंह चौधरी का निधन। बता दें कि कांग्रेस सांसद को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आया था हार्ट अटैक। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में बोले विदेश मंत्री S जयशंकर, बदलते वक्त के साथ संयुक्त राष्ट्र की पद्धति भी बदलना जरूरी। आगामी त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मतभेद भुलाकर कांग्रेस और माकपा ने मिलाया हाथ। बता दें कि कांग्रेस के महासचिव अजय कुमार ने शुक्रवार शाम CPI के राज्य सचिव जितेंद्र चौधरी के साथ बैठक में इस बात की घोषणा। लक्षद्वीप के NCP सांसद मोहम्मद फैजल की संसद सदस्यता हुई रद्द। बता दें कि सांसद को IPC 307 के केस में हुई है 10 साल की सजा। तमिलनाडु के कांचीपुरम में कॉलेज की छात्रा के साथ 5 लोगों ने किया सामूहिक दुष्कर्म, गिरफ्तार हुए 5 आरोपी, मामला किया गया दर्ज। उत्तर प्रदेश में EV का पहला प्लांट लगाएगी UK की कंपनी। दिल्ली में मिले 2.75 लाख रुपए के निवेश प्रस्ताव। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कनाडा में बैठे आतंकी अर्शदीप की सहयोगी की निशानदेही पर सरदानंद कॉलोनी भलसवा डेयरी स्थित उनके ठिकानों से 2 हैंड ग्रेनेड बरामद किए हैं। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने रात भर आरोपियों के दिल्ली में कई ठिकानों पर छापेमारी भी की है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार 14 कोरोना योद्धाओं के परिजनों को देगी 1-1 करोड़, मंत्रिमंडल से मिली मंजूरी। जमीन धंसने से एशिया के सबसे बड़े जोशीमठ ओली रोपवे पर आई दरारें, खतरे को देखते हुए संचालन किया गया बंद। दिल्ली रोहतक हाईवे पर तेज रफ्तार का कहर, मेट्रो पिलर से टकराई कार, 2 दोस्तों की मौत, 4 को ICU में किया गया भर्ती। BJP के महिला मोर्चा की अध्यक्ष चित्रा वाघ की शिकायत के बाद एक्ट्रेस उर्फी जावेद को मुंबई पुलिस ने किया तलब, अभिनेत्री से की जाएगी पूछताछ। तो ये थी दोपहर की 15 बड़ी और सुपरफास्ट खबरें। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें साउथ ब्लॉक डिजिटल। नमस्कार।